कटिंग हो गया मसल देखते हो ब्लैकिश वाला पोर्शन यही है वेंट्रल एरोटा ठीक है ये हो गया वेंट्रल एरोटा ब्लैक वाला ये ऊपर तक आया है अब देखो जैसे कि ये गिल है ना तो इसमें दो ठो सटा हुआ है देख रहे दूध हो नहीं इसका जो ई है ना इसको पकड़ करके हटा दो हो गया यहाँ देखते हो पहला ब्रैंकियल वेसल दिख गया पहला ये देख रहे हो ये ब्रैंकियल वेसल देखा उसके बाद देखो फिर दूसरा को भी ऐसे करके पकड़ के नोच देखो दूसरा भी क्लियर हो गया वो ब्राउनिश कलर का देखो वो भी दूसरा क्लियर हो गया दाब के रखो उसके बाद देखो तीसरा को भी पकड़ रहे हैं जाड़े के मौसम में छूने से बड़ा स्किन पर इफेक्ट पड़ता है तीसरा हो गया एक तो ऐसे रुखड़ा रहता है इसके देखो इसको ऐसे करके नोच दो पूरे हो गया अब देखो इस वेंट्रल एरोटा से ही सारे कनेक्शन इसमें आता कहाँ दिख रहा है सर दिखेगा इस पूरे को काटिए दिया सर देखो इस सब को करने के बाद इस सब को अलग अलग ढंग से पीन कर जब कर लोगे तो अब इसके बीच से जो जो ब्रांच आता है देखो पहला जो है ना वेंट्रल एरोटा ऐसे करके मूव करके ऐसे आता है उसमें फिर उसमें फिर उसमें फिर ऐसे ऐसे में आता है और फिर तीसरा जो निकलता है इसी से इसमें और इसमें दोनों में आता है समझे बात तो इसी को अपने जानवर में बैठ करके स्थिर से ट्रेस करो ये हर्ट हो गया ये क्लियर है ना देखते yes, हर्ट है यहाँ थोड़ा सा क्लियर छोड़ देते हैं तो हार्ट टूट गया हाँ हर्ट टूटा नहीं है यहीं से उसको काटना पड़ेगा हर्ट देख रहे हर्ट है यही है तो हर्ट हो गया ये कोनस आर्टेरियोसिस हो गया ये वेंट्रल एरोटा हो गया ये फर्स्ट ये सेकेंड थर्ड फोर्थ एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स यही इतना ही साफ करके दिखाना है ये हो गया एक साइड फिर इसके दूसरे साइड भी ऐसे करेंगे तो मिलेगा फिर इसमें भी मसल कटेगा गिन में जाएगा तो इस यही है एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स ठीक है इसको करके